Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कम से कम हमारी ये नारी सेना देखकर लोगों में उत्साह तो बढ़ेगा और उनमें इन फिरंगियों के अत्याचार का विरोध करना आ जाएगा। अच्छा, तो इससे तुम हमेशा अपनी तलवार अपने साथ रखती हो? अब कहाँ रखती हूँ? पता नहीं कब पहले की तरह अभ्यास मैदान में जाने का अवसर मिले। अवसर मिलेगा मन्नू, अवश्य मिलेगा। कैसे इंदू दीदी, आजी साहब ने तो हमें इस समय आजी साहब तुमसे बहुत प्रसन्न है मन्नू, क्योंकि तुम्हारे कारण हमें इतना अच्छा वर्जो मिलने वाला है और हमें पूरा विश्वास है कि आजी साहब तुम्हें अभ्यास मैदान में जाने से नहीं रोकेगी। हम अभी दरबार जाते हैं। दरबार? शत शत बधाई हो आपको, अंततः विधाता ने झांसी योग्य महारानी प्रदान कर ही दी। प्रधानमंत्री जी, बधाई के पात्र तो हमारे तात्या दीक्षित जी हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से हमारे तेजस्वी ग्रहों के योग्य एक कुंडली ढूंढ ली। महाराज, सेवक ने बहुत पहले ही मणिकर्णिका नाम की कन्या की लक्षण कुंडली ढूंढ ली थी, जिसके सारे ग्रह महाराज के ग्रहों से पूर्णता मेल खाते थे, किंतु दुर्भाग्य से महाराज वो कुंडली हमसे। फिर ये कुंडली? यही तो आश्चर्य की बात है प्रधानमंत्री जी, हमारे शास्त्री जी ने न जाने कहां से बिल्कुल वही ग्रहों का योग और प्रत्येक ग्रह हमारे महाराज के तेजस्वी ग्रहों से पूर्णतया मेल खाते हैं। ऐसी कुंडली हमारे समक्ष प्रस्तुत करके हमें आश्चर्यचकित कर दिया। ये बात ही आश्चर्य की है तात्या जी, हर जाता की राशि अलग होती है, ग्रहों की महादशा जो है। आश्चर्य की कौन सी बात है भूपटकर जी? यदि जन्म के समय लग्न भाव में ग्रहों की गति और नक्षत्रों की दशा एक समान हो तो एक ही क्यों, कई कुंडलियां एक सी दिखती हैं, हाँ? आपकी बात सत्य है, परंतु इसका पढ़कर जी, केवल कुंडली के मिल जाने से महारानी की योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। क्षमा कीजिएगा महाराज, क्या ये पूछने का साहस कर सकती हूँ कि आपकी दृष्टि में एक महारानी में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? रानी तो वो है जो देखने से ही महारानी लगे। नारी अपना नहीं होती, सेना में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और हम सब पुरुषों के बराबर हैं और उनके कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। भूपटकर जी, मात्र ग्रहों का योग ही नहीं, चंद्र कुंडली के अनुसार ऐसी कुंडली का जातक इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाता है। ढूंढिए ढूंढिए तात्या जी, ढूंढिए। तात्या जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्वेतांबरा की भी कुंडली अवश्य विलक्षण है, परंतु इस संबंध में सकुबाई का मत मेरे गले नहीं उतर रहा है। संसार के हर प्राणी का जन्म के समय उसके पल विपल लग्न भाव की राशि सबके सब एक समान नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं भूपटकर जी, मेरे पास मणिकर्णिका की कुंडली थी, उसके एक एक ग्रह उनकी अवस्था दशा महादशा यहां तक के उसके अंश मुझे अक्षरशः कंठस्थ थे। उसके खो जाने का मुझे हार्दिक खेद है। कैसा लगा मेरा नृत्य? इस नृत्य से तुम हमें प्रभावित नहीं कर पाए, गंगाधर राव को कैसे प्रसन्न कर सकोगे? वो आसपास के राज्यों में सारी विधाओं का पंडित माना जाता है।
इस नृत्य नाटिका को साधारण नहीं समझना, क्योंकि मैंने हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोक दिया है जो झांसी की महारानी बनने से तुम्हें रोक सके। कहां चले गए शास्त्री जी? कल रात ही तो भेंट हुई थी। नमस्कार पंडित जी। ये शास्त्री जी कहां गए? वो तो भोर की बेला में ही चले गए। कहां? हम लोगों से कहा था कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। राजनीति भी शतरंज के खेल की तरह होती है, अपनी चालों के अलावा अपने प्रतिद्वंदी की चालों को भांप कर अगर अपनी चाल चली जाए तो ही जीत हासिल होती है। इससे पहले कि भोपट कर कुछ कर पाते, मैंने शास्त्री जी को झांसी से बाहर भेज दिया। श्रीमंत सरकार, वो धूर्त मेंशन उस दिन तात्या पर ऐसे वार पर वार किए जा रहा था कि अगर उसे अवसर मिलता तो वो उसे पूर्ण रूपेण घायल कर देता। मगर वार है तात्या वाह, मेंशन का एक भी वार उसके उद्देश्य को सफल नहीं बना पाया। हमने तात्या को तोपे उपाधि यूं ही नहीं दी, उसने अपने शरीर के हर भाग को रक्षात्मक कवच बनाने की कला सीख ली है। परंतु श्रीमंत सरकार, एक बात समझ में नहीं है, वो थूत मेंशन बार बार इसके पैरों पर प्रहार क्यों कर रहा था? बाबू साहब, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तुमसे? हाँ हाँ, मांगो, मिल जाएगा। वचन? वचन? बाबा साहब, हमारी मन्नू को रसोई के काम से मुक्त करा दीजिए ना। नहीं नहीं, कितनी कठिनता से मन्नू को हमने कन्या स्वरूप में ढाला है, और तुम चाहते हो कि तीर तलवार चलाकर दोबारा वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करे। वहीनी साहब की बातों का बुरा मान गई। बेटे, वो जो भी कह रही थी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। बाबा, क्या अभ्यास मैदान में जाना पाप है? बेटे, कैसे समझाऊं तुम्हें? बेटे, ये तीर तलवार, घुड़सवारी, मलखम, ये सब पुरुषों के कार्य हैं। तुम एक कन्या हो और कन्या सदैव सुखमय गृहस्थ जीवन की कामना करती है, परंतु तुम तो आप क्यों मुझे अहल्या बाई, जीजा बाई और चांद बीबी की वीर गाथाएं सुनाया करते थे? क्या वो लोग तीर तलवार? मनु, तुम इन महान वीरांगनाओं के साथ अपनी तुलना कर रही हो? पता है तुम्हें, अपने विलक्षण व्यक्तित्व से उन्होंने अपना नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिख दिया है। बाबा, मैं भी तो विलक्षण हूँ। आप ही तो कहते हैं मनु तेरी कुंडली विलक्षण है। मैं नहीं, परंतु शास्त्री जी कह रहे थे मेरी पुत्री की कुंडली विलक्षण है, राजयोग है। तो ये कैसा राजयोग है बेटे? इतनी छोटी आयु में कैसी कैसी विपदाएं झेली हैं तूने। मेरा तो अब इन कुंडलियों से विश्वास ही उठता जा रहा है। नहीं, तू भी भूल जा बेटे, अभ्यास मैदान भूल जा, इस जीवन की तरफ ध्यान दे। मैं शीघ्र ही तुम्हारी विलक्षण कुंडली लेकर जाऊंगा, और जो भी तुम्हारे ग्रहों से मेल खाता हुआ मिलेगा संबंध पक्का कराऊंगा।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।